नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एग्जीक्यूशन में। और बहुत जगह पे ऐसी गलतियां होती हैं कि आपका घर पूरा बन जाता है, फिर किसी को पता चलता है अरे यार गलती तो उधर हुई थी। आखिर ये हैं कौन सी गलतियां? आज मैं आपको स्पेशली यही चीज़ें बताने वाला हूं कि नॉर्मली आप कोई भी काम करते हैं, ईंट चिनाई का काम हो गया, प्लास्टर का काम हो गया, ढलाई का काम हो गया, ये मेनली तीन ऐसे काम हैं जो घर में होते ही होते हैं और आपको करवाने ही पड़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है कि कभी कभी मिस्त्री क्या करता है अपनी सुविधा के लिए, या फिर ठेकेदार अपनी सहूलियत के लिए, जितना भी काम करना हो दिन भर का मसाला कभी कभी एक ही बार में पूरा बनाता है। अब ये आप कहेंगे कितना बनाना सही है या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ कि आखिर आप कितने देर का मोर्टार बनाएं या फिर मसाला बनाएं। नॉर्मली आप ढलाई का मसाला हो या प्लास्टर का या ईंट जुड़ाई, ध्यान रखिएगा कि एक घंटे के अंदर अंदर आपको यूज कर लेना है। यूज कर लेना है मीन्स जितना भी आप मसाला बनाएं, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि एक घंटे में आप जितना भी काम कर पा रहे हैं। मान लीजिए ज़्यादा आदमी हैं तो आपका काम जल्दी एक घंटे में होगा, ज़्यादा होगा तो उसी के हिसाब से आप मसाला बनवाएं। और एक घंटे के काम का मसाला बनवाने के बाद आप दो लेबर फिर से लगा दें 15 मिनट पहले, जो कि फिर आपका एक घंटे का मसाला ख़त्म होते होते आपका फिर से मसाला तैयार हो जाए। तो ये सबसे बड़ी गलतियां होती हैं और मिस्त्री और ठेकेदार ये गलतियां करते हैं कि दिन भर का मसाला बना लिया और पूरे दिन भर उसी से जुड़ाई करते रहते हैं। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मसाला बच जाता है, यानी दिन भर का पूरा बनाया या शाम को पूरा बनाया और आधा यूज किया, कुछ छोड़ दिया, उस मसाले को भी अगले दिन यूज कर लेते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल ना होने दें। दूसरी गलती जो होती है कि मसाले में मिस्त्री पानी ज़्यादा मिला देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी जुड़ाई तो अच्छी हो जाती है, आपको देखने में बढ़िया लगता है और मिस्त्री को सहूलियत होती है, लेकिन इस जो ढीली या ढीला मसाला है उससे आपके स्ट्रेंथ को, यानी आपकी जो दीवार है वो कमज़ोर होती है और ठीक नहीं होती। तो आप जब भी मसाला बनवाएं तो थोड़ा ऐसा बनवाएं कि करनी पे लेने पे केवल काम करने में आपको आसानी हो, न कि पानी जैसा बहने लगे। तो ये दो सबसे बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं मसाले के लिए कि आप जब भी मसाला बनवाएं, कोई भी मसाला हो, एक घंटे का ही बनवाएं, मीन्स एक घंटे में जितना आप काम कर सकते हैं। दूसरी बात, मसाले में उतना ही पानी मिलाना है, या थंब रूल के लिए मैं आपको बताऊं कि यदि एक बैग आप सीमेंट का मसाला बना रहे हैं या फिर आप एक बैग सीमेंट और पांच यदि बालू मिला रहे हैं तो लगभग 300 केजी आ रहा है, तो उसका आप 20% मिला सकते हैं, या ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो ये देख लीजिएगा पर बैग के हिसाब से भी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जब आप ब्रिक वर्क कर रहे हों तो आपको एक पाँच का मसाला बनाना आवश्यक है। अब एक छः का भी बना सकते हैं, लेकिन एक पाँच का आप बनाएंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब दूसरी बात ये आपको ध्यान देनी होगी कि आप एक घंटे में कितना काम कर सकते हैं। तो एक घंटा एग्जैक्ट नहीं, 10-15 मिनट ऊपर नीचे का आप लेके चल सकते हैं कि जितना आपका ब्रिक वर्क हो उसी के हिसाब से आपको मसाला बनाना है। रेशियो ऑलरेडी बताया जा चुका है कि आपको कितनी रेशियो रखनी है, किस रेशियो में बनाना है, तो इस तरह से आप प्लान करेंगे तो आपका जो दीवार है वो काफ़ी अच्छा होगा, मजबूत होगा, और प्लास्टर भी मजबूत होगा, या फिर कोई आप ढलाई कर रहे हैं वो भी मजबूत होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिससे आप बच सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए।